Learning about works. A mother sings a lowri, lullaby, and invites the Nindya Rani, queen of sleep, to come and put the baby to sleep. Even after growing up, the child loves to sing and listen to the favorite songs and stories of childhood. The memory stays with the child forever. So mother or father is the first teacher of a child. We already know this, ki parents hum logo ke first teacher hote hain. Hum logo ko bolna, अच्छा बात सिखाना सबसे पहले घर में पेरेंट्स ही सिखाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं उसके पहले से. तो फर्स्ट टीचर हम लोगों के लिए हम लोगों के मम्मी या पापा होते हैं. लोरी वगैरह सुनना, राइम सुनना, ये सब हम लोग को बचपन से ही अच्छा लगता है. भव्या एंड आर्यन वेंट टू अ बीच इन केरला. दे वर थ्रिल्ड विद द सॉफ्ट सैंड. देयर पेरेंट्स शोड देम हाउ टू मेक केक्स, कैसल्स एंड टावर्स विद द सैंड. तो भव्या और आर्यन केरला के बीच में इस तरह से इंजॉय कर रहे थे. उनके पेरेंट्स उसको दिखाए कि बालू से कैसे कैसल्स बनाया जाता है, केक बनाया जाता है. सून द चिल्ड्रन स्टार्टेड मेकिंग ब्यूटीफुल सैंड हाउसेज. दे डेकोरेटेड देम विद शेल्स, ड्राइड लीव्स और स्टोन्स. वो सब सजाने भी लग गए फिर, और वो लोग बहुत खुश थे. तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है, दैट चिल्ड्रन लर्न एवरीथिंग वेरी क्विकली. बच्चे किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, और उनको पेरेंट्स को किचन वगैरह में या घर में हेल्प करने में भी बहुत मज़ा आता है. जैसे डस्टिंग करना, वेजिटेबल्स छीलना, टेबल सजा देना, ये सब काम वो लोग अच्छे से कर सकते हैं. दे ऑल्सो लर्न द क्राफ्ट्स और जॉब्स दैट देयर पेरेंट्स डू. कभी कभी क्या होता है, बच्चे काम अपने पेरेंट्स का काम देखते देखते वो भी सीख जाते हैं. जैसे एक फार्मर का बेटा, तो वो अब जब अपने पापा को फार्मिंग करते हुए देख रहा है तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि कैसे फार्मिंग किया जाता है. तो इसी तरह से एक पॉटर का बेटा, एक कुम्हार का बेटा, जब बिया बेटी जब वो पॉट्स बना रहा है तो उससे देख देख कर उसको हैबिट हो जाता है और आइडिया हो जाता है. सो वो लोग उसमें ऑटोमेटिकली स्किलफुल हो जाते हैं. सो अ चाइल्ड कैचेस द एक्टिविटी ऑफ हीज और हर फादर और मदर वेरी क्विकली जस्ट बाय ऑब्जर्विंग. सी रूपाज फादर इज अ पॉटर. ही हैज़ टॉट हर हाउ टू नीड द क्ले. नीड द क्ले मतलब ये जो मट्टी पूरा बनाना पड़ता है, पानी डालकर अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में वो सब बनाना, और उससे कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ये उसके पापा सिखाएं. रूपा लव्स टू वॉच हिम मेकिंग ब्यूटीफुल पॉट्स. हर मदर कार्व्स एंड पेंट्स द पॉट्स. दे सेल द पॉट्स टू अर्न मनी. तो पूरा फैमिली मिलकर ये काम करता है. एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. जब कोई इंसान कोई काम करता है ताकि उसको रुपया मिले, तब उसी काम को उसका ऑक्यूपेशन बोलते हैं. तो जैसे यहाँ रूपा के फादर का ऑक्यूपेशन पॉटरी हो जाएगा, क्योंकि वो पॉट्स बना बना कर बेचते हैं. और सब लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं टू अर्न अ लाइवलीहुड, मतलब इनकम अर्न करने के लिए. द कुम्हार्स ऑफ चंबा, हिमाचल प्रदेश, आर एक्सपर्ट इन मेकिंग ब्यूटीफुल पिचर्स, सुराहीज फॉर स्टोरिंग वाटर. सुराही मतलब जो घर में घड़ा होता है जिसमें पानी भरते हैं, मटका बोलते हैं, कुंजा भी बोलते हैं. पॉट्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एंड हंडीज विथ लिड्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड. दे ऑल्सो मेक टॉयज एंड लैम्प्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. तो कुम्हार्स ऑफ चंबा जो हिमाचल प्रदेश में है, ये ग्रुप काफ़ी स्किलफुल है, बहुत अच्छा ये लोग पॉट्स बनाते हैं. जमीलाज एम्ब्रॉयड्री इज़ वेरी नीट. एम्ब्रॉयड्री इस तरह से किया जाता है जो सुई सूता से. शी यूजेस कलरफुल थ्रेड्स, निडल एंड अ वुडन फ्रेम टू मेक डिज़ाइंस ऑन साड़ीज, कुर्ताज, कुशन कवर्स एंड बेडशीट्स. हर मदर टॉट हर द आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयड्री. तो वो भी काम कहाँ से सीखी, अपनी मम्मी से सीखी. और उसका काम क्या है, एम्ब्रॉयड्री. वो इस तरह से कर करके रुपया कमाती है. अरुण हैज़ अ टेलरिंग शॉप एट लॉरेंस रोड. ही स्टिचेस क्लोथ्स फॉर वुमेन लाइक शर्ट, ट्राउजर्स, स्कर्ट्स, ब्लाउजेस एक्सेट्रा. ही लर्न्ड टू कट एंड स्टिच क्लोथ्स फ्रॉम हिज फादर. उसको काम उसके पापा सिखाए. तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा काम अपने पेरेंट्स से ही सीखें, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं. सम वर्क्स कैन बी लर्न्ड एट होम लाइक एम्ब्रॉयड्री, पॉटरी, टेलरिंग एक्सेट्रा. तो ये सब जो हम लोग काम देखें, ये घर में सीखने से हो जाता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा काम है जो सिर्फ देख कर नहीं होता. देर आर सम जॉब्स दैट पीपल लर्न जस्ट बाई वॉचिंग अदर पीपल. ये सब के लिए तो घर में प्रैक्टिस करना पड़ता है, एम्ब्रॉयडरी, पॉटरी, टेलरिंग एक्सेट्रा. स्वीपर, हैंडकट पुलर्स, हॉकर्स, कूलीज, ये सब तो देख देख के इंसान सीख जाता है. दे डू नॉट नीड एनी स्पेशल ट्रेनिंग, बट दे आर डूइंग इम्पॉर्टेंट जॉब्स दैट आर नेसेसरी फॉर अस. स्वीपर जो रास्ता वगैरह भी साफ कर रहा है, झाड़ू पोछा मारने का काम, तो वो काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक मॉल में, एक ऑफिस में अगर झाड़ू पोछा बराबर नहीं होगा तो वो कितना गंदा हो जाएगा.
तो वो काम भी तो किसी को करना है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। रिक्शा वाला, ऑटो वाला, ये सब सबका काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी हम लोगों का लाइफ एकदम स्मूथली चलता है। तो ये सब काम के लिए ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं चाहिए, और जिस काम के लिए थोड़ा बहुत स्किल चाहिए वो हम लोग घर में प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। बट देर आर मेनी अदर ऑक्यूपेशन दैट कैन नॉट बी टॉट इनसाइड द हाउस और बाई वॉचिंग अदर पीपल। बहुत सारा ऐसा काम है जो हम लोग सिर्फ देख कर नहीं सीख सकते और घर में भी नहीं सीख सकते। यू हैव टू स्टडी एंड देन गेट स्पेशल एडुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर दिस प्रोफेशंस। तो हम लोगों को इसके लिए अलग तरह का पढ़ाई करना पड़ता है, फिर इंस्टीट्यूट्स में जाकर ट्रेनिंग लेना पड़ता है। किस तरह का प्रोफेशन हुआ ये? पायलट का, जो प्लेन उड़ाता है। डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, नर्स, टीचर, सोल्जर, लॉयर, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, जो स्पेस में जाता है। तो ये सब इस तरह से बहुत सारा प्रोफेशंस है, मतलब बहुत सारा काम है जिसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। मेनी पीपल कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। दिस इज नोन एज मेडिकल टूरिज्म। बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर से भी आते हैं इंडिया में अपना यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने, तो उसको मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। डॉक्टर्स लुक आफ्टर आवर हेल्थ बाय गिविंग अस मेडिसिंस एंड गाइडिंग अस टू कीप द डिजीज अवे। देर आर स्पेशल डॉक्टर्स फॉर डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स। सम इंडियन डॉक्टर्स आर वर्ल्ड फेमस। एक ही डॉक्टर सब चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। थोड़ा बहुत कुछ हम लोगों को होता है, अगर सर्दी, बुखार, खांसी या कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है, पेट दर्द, हेडेक, तो वो एक जनरल फिजिशियन ठीक कर सकता है। लेकिन अगर कोई मेजर प्रॉब्लम होता है, जैसे दांत में कोई प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट के पास ही जाना होगा, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाना होगा। तो इसी तरह से स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेशल ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट करते हैं। एन इंजीनियर डिजाइंस एंड मेक्स मशीन्स, बिल्डिंग्स, हाउसेज, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा। इंजीनियर क्या करता है? मशीन, बिल्डिंग, हाउस, ये सबको डिज़ाइन करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो उसको इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना पड़ता है कॉलेज से। इंजीनियर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। कंट्री में जितना भी चीज़ बनता है सब तो इंजीनियर को ही प्लान करना पड़ता है ना। द फेमस इंजीनियर इलातुवलापिल श्रीधरन इज नोन एज द मेट्रो मैन। ही सेट अप अ वर्ल्ड क्लास मेट्रो इन दिल्ली ड्यूरिंग हिज टेन्योर, मतलब जब तक वो काम करते थे। ऑल फेजेस ऑफ मेट्रो लाइन्स वर कम्प्लीटली बाय देयर ड्यू डेट्स। मतलब जो भी मेट्रो का नया लाइन सेट होता था वो अपने टाइम से प्रोजेक्ट खत्म हो जाता था। मिस्टर श्रीधरन एंड हिज टीम्स सक्सेस ले इन 3 कीवर्ड्स: डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी। तो वो अपने टीम के साथ मिलकर काम करते थे और उनका 3 चीज़ में मानना था कि डिसिप्लिन से काम करना होगा, पंक्चुअल रहना होगा, टाइमली काम करना होगा और ऑनेस्टी के साथ करना होगा, कोई चीटिंग नहीं चलेगा। ही रिटायर्ड ऑन 31st December 2011। If you understand your responsibilities as a student and study well, then you will be able to follow any occupation that you love. तो responsibilities सिर्फ बड़े लोगों का ही नहीं होता, as a student तुम लोगों का भी responsibility है कि तुम लोग सही तरीका से पढ़ो और सब चीज़ को समझो, ताकि आगे चलकर जो भी occupation करने का मन करे उसमें हम लोग part ले पाए। अगर engineer बनना है तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा ताकि college में admission हो। सोल्जर बनना है तो उसके लिए फिजिकली फिट होना पड़ेगा और ट्रेनिंग लेना पड़ेगा ताकि हम सोल्जर बन पाएं। तो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक इंसान कुछ नहीं बन सकता। सो दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग अबाउट वर्क्स, कि काम लोग कैसे सीखते हैं और क्यों करते हैं।